सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नेचर व्यापारी भाई। नेचर से शुरू करता हूं आज का अपना नया ब्लॉग, और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोस्तों किससे, ये देखिए गाइस, हम सवेरे देख रहे हैं अपना ही ब्लॉग, वो भी स्मार्ट टीवी में। और ये जो अभी रिसेंटली कल आपने ब्लॉग में देखा होगा कि आपने ये वाला ब्लॉग आया था, तो हमने इस वाला ब्लॉग को देख रहे सवेरे उठते साथ। और इस पर एक्सप्रेशन देखिए गाइस, क्या जबरदस्त एक्सप्रेशन आए थे। और ये ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं कि हमने स्पेशल किया, सही में थोड़ा सा डर गए थे, थोड़ा सा लगी पड़ी थी बात, पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया यशस्वी और मुझे। सो गाइस, जैसे कि आज है नवरात्रों का लास्ट दिन, यानी आज है नौमी, आज माता रानी की फिर से पूजा शुरू हो गया है थोड़ी देर में, और उसके लिए प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। जैसे कि आज हम कन्या का पूजन करेंगे, तो गाइस तैयारी सारी शुरू हो चुकी है। शुरू में क्या क्या है आपको दिखाता हूँ। देखिए गाइस, शुरुआत हो चुकी है पूरी बनने की। यहाँ आटा लग चुका है, तेल जा चुका है, इसमें क्या बन रहा है, छोले, आलू, इसमें आलू लगे रखे हुए हैं, छोले उसमें है, इसमें हलवा तैयार है। सो और सबसे इम्पोर्टेंट, मैडम भी तैयार है। सो सबको हेलो बोल दो, और सबको नवरात्रों की बधाई दे दो। आप सभी को नवरात्रों की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आज नवमी है, आज माता रानी अपने घर विदा होती है, इसी तरह आप लोगों को आशीर्वाद देती रहे, आप खुश रहे, संपन्न रहे, सुखी रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आप सभी लोगों को, पूरे परिवार, हमारे यूट्यूब फैमिली, उस सभी को पहाड़ी बाई नेचर ब्लॉग्स की तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ। माता रानी आपके जीवन में, आपके परिवार में हमेशा सुख समृद्धि को प्रदान करें। इसी के साथ दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना नया ब्लॉग। अब आप बोलोगे यशस्वी का है, सो गाइस यशस्वी जस्ट नहा के अभी आइए, कपड़े चेंज करिए, थोड़ी देर में आपको मिलवाता हूँ। अरे आ गई, ये देखिए गाइस, सवेरे सवेरे हमारी मैडम तैयार हो गई है। सो हे गाइस, टाइम हो चुका है 9:10 और घर में पूजा शुरू हो चुकी है। नीतू की आवाज़ जैसे आपको पीछे से आ रही होगी, नीतू इस वक्त पाठ कर रही है माता रानी का। और ऋषु और मैं, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हम लोग बाहर गए थे सामान लेने के लिए, तो गाइस देखो हमने सामान लिया है, कुछ बच्चों के लिए कुछ सामान लिया है, जैसे कि हमने कुछ डब्बे यहाँ पे लिए हैं, और कुछ केले लिए हैं, फूल लिए हैं, नारियल लिया है। सो ये सब चीज़ें लेके हम पहुँच चुके हैं। यहाँ नीतू भी पाठ कर रही है। सो गाइज देखिए, मम्मी डैडी भी पहुंच गए हैं बच्चों की पूजा के लिए। बच्चों को बोल दिया गया है, मम्मी डैडी आ गए हैं। देखिए खीर भी आ गई है, सब प्रसाद नीचे जा रही, यहाँ रख दीजिए, सब यहाँ रख दीजिए। और मम्मी भी यहाँ पे आ चुकी है, देखिए गाइज यहाँ पे बच्चों के लिए भी आ चुके हैं केले, मम्मी पापा दोनों आ गए। गाइज यहाँ सारे बच्चे हमारे आ चुके हैं, ये देखिए हमारा सारा, यहाँ हमारे लंगूर है तीनों, और ये हमारी माताएँ, सारी माताएँ, जय माता दी। सब बच्चे एक बार जोर से बोलेंगे, जयकारा शेरो वाली दा बोल साचे दरबार की जय, मैया रानी की जय, नौ दुर्गे माताओं की जय। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चों की डिमांड में हमारे घर में बच्चों ने बोला कि व्लॉग लगा दो, तो बच्चों की डिमांड में व्लॉग लगा हुआ है। और ये देखिए सारे के सारे बच्चे व्लॉग देखने में बिजी है। और ये देखिए हमारी माताएं, नौ दुर्गे माताएं जो भी हैं, सब के सब व्लॉग देख रही है। और यहाँ मम्मी भी आ चुकी है, और नीतू यहाँ बच्चों के धागे बांध रही है। ये देखिए सारे बच्चे। तो गाइस यहाँ प्रसाद देना बच्चों को शुरू हो चुका है, नीतू सब बच्चों को प्रसाद दे रही है। देखो यहाँ बच्चों के कलर ऑप्शंस भी शुरू हो चुके हैं, किसी को पिंक चाहिए, किसी को ब्लू चाहिए, किसी को ऑरेंज चाहिए। सो बच्चे सारे इधर पे हैं, और यहाँ हमारी देखिए हमारे बच्चे, हमारे सब शुरू हो चुके हैं। घर में बहुत अच्छा खासा हल्ला हो चुका है, पीछे से बच्चे व्लॉग भी देख रहे हैं, साथ साथ कुछ बच्चे हल्ला भी कर रहे हैं। यहाँ मम्मी भी काम पर लगी है, नीतू भी काम पर लगी है, एक यशस्वी यहाँ बैठी है, और गाइस मैं हूँ आप लोगों के साथ यहाँ पर। चलो जय माता दी, सभी नौ दुर्गे माताओं को बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे घर पर धारने के लिए। थैंक यू, आराम से जाना सब बच्चे। तो गाइस अभी हमने नेक्स्ट डे स्टार्ट कर दिया है, और अभी भी रावण की तैयारी चल रही है। पापा अभी और कितना टाइम लगेगा? टाइम भी लगेगा,
और पापा ने देखो ये क्या बनाया है, ये क्या है? ये गम है, गम, ये गम, ये होममेड गम है। यस, होममेड गम है जो आटे से बनी है ना। यस, आटे से बनी है और पानी से बनी है, पानी से, और वो पकाया भी है उसमें थोड़ा सा। हाँ, उसे पकाया भी है। अभी से हमने सारा भी अभी हम प्रिपरेशन करना हमने शुरू कर दिया है। हाथ थोड़े से गंदे हो रहे हैं, दादू भी लग गए हैं साथ में हेल्प के लिए आ गए, और बाकी तो बच्चे पार्टी, बाकी तीन बच्चा पार्टी है। ये कुछ काम की है ही नहीं। अच्छा तो गाइस अभी देखो, इसके पैर बन गए, इसकी फ्रॉक बन गई, इसके ऊपर का पार्ट बन गया, इसका मुंह बन गया, इसकी नाक बन गई है। अभी ये क्या, इसका क्या बन रहा है? ये दादू बना रहे, कुछ कर रहे हैं। दादू क्या कर रहे हो? देखो अच्छा, गर्दन के इस साइड वाले पार्ट। सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। सो गाइस, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि आज हमारा रावण दोबारा से शुरू हो चुका है, और साथ ही साथ हमारा व्लॉग भी, जैसे कि आपने देखा होगा कि आज सवेरे हम लोगों ने बच्चों को, यानी जो कन्याएं आई थी, उनका पूजन किया, और साथ साथ उनको खाना भी खिलाया, और साथ साथ में उनको दक्षिणा भी दी, तो बच्चे बड़े खुश होकर गए। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए गाइस, दादू भी छत पर आ चुके हैं और हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं रावण बनाने का। तो रावण के अंदर जो पेपर है, जो उसको कलरफुल डिज़ाइन दिया जा रहा है, और साथ ही साथ हमने बना दिया है इसमें क्या क्या बनाया है, ये बनाया होम मेड। यस, तो गाइस हमने बनाया होम मेड ग्लू, जिसे बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं क्या, लई है ना पापा, है लई बोलते हैं ना इसे। हाँ, तो हमने लई बनाई है। यहाँ बच्चा हमारा एक और है जिसने खुद येलो पहना है, और रावण के लिए येलो रंग का ही सेम टू सेम मुकुट बना रहा है ना, सेम टू सेम है कलर ना, देखो गाइस सेम टू सेम। हाँ गाइस देखो, ये फ्रेंड वही है, इसने येलो रंग का टी शर्ट पहना है, जीन्स ब्लैक हो गई, यहाँ मैडम का उल्टा हो गया, यहाँ ये देखो येलो पैंट हो गई और येलो ब्लैक टी शर्ट हो गई। सो गाइस ये हैं दोनों की दोनों बेस्ट फ्रेंड्स, और दोनों बेस्ट फ्रेंड मिलके पूरे रावण की तैयारी प्रिपरेशन चल रही है। सो गाइस अभी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कर ली, कुछ चीज़ें रह गई, हाथ पास मुँह थोड़े से खराब ना हो रहे होंगे, तो उसके लिए आप माफ़ करना, क्योंकि चीज़ें करते करते चीज़ें हो जाती हैं। फिलहाल आप देखिए दादू फुल ऑन लगे पड़े हैं, और यहाँ बच्चा पार्टी भी तैयार। तो गाइस अभी इतना बन गया, पापा अभी अभी क्या बना रहे हो? मैं बना रहा हूँ इसकी ढाल, ढाल क्योंकि तलवार की ढाल जरूरी है ना, तलवार की बिना ढाल के कैसे कर लीजिएगा। ढाल बन गई है गाइस हमारी, और अभी इसमें क्या होगा? इसमें होगा कलर। कलर कौन सा कलर होगा इसमें? करेंगे कलर इसमें हम कर सकते हैं, पापा अभी पेस्टिंग कर रहे हैं, अभी इतना भरा हुआ था, अभी इतना कम हो गया, इतनी सारी पेस्टिंग करनी पड़ रही है हमें इसमें। सो गाइस देखिए, हमारा रावण बहुत हद तक तैयार हो चुका है, मूछें लग चुकी है, नाक लग चुकी है, इसका धड़ लग गया है, इसका इसकी आंखें यहाँ बन रही हैं, दिखाओ ये दिखाओ, ये देखिए गाइस यहाँ आंखें भी तैयार हो चुकी हैं, और इसकी सील्ड मैंने यहाँ पे कलर करके यहाँ पे लगा दी है, सील्ड तैयार हो चुकी है। हाथ दिखाओ, उसके हाथ ये हैं, हाथ थोड़े से पतले बन चुके हैं पर कोई नहीं चलेगा, वो देखो दूसरा भी दिखाओ गाइस, ये देखिए ये इसके हाथ है हमारे रावण जी के, और यहाँ हमारा रावण जी पूरे पूरे तैयार होते जा रहे हैं दिन पर दिन। हमने अभी इसकी टांगे बस थोड़ी सी रह गई हैं, टांगों में कभी कलर कौन सा कलर करना है अभी डिसाइड नहीं हुआ है, जल्दी से कलर डिसाइड करके और फिर इसको फिनिश करते हैं। और यहाँ पे इसकी आंखें बन रही हैं, आंखें बड़ा थोड़ा बड़ी बड़ी बननी है, ठीक है, आंखों का साइज थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाओ। सो हे गाइस, फाइनली हमने काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, और अभी हम लोगों ने रावण की जो प्रिपरेशन करी है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी, क्योंकि आज है नवमी का दिन, आज कन्या पूजन था, तो आज के दिन के बाद यानी नेक्स्ट डे यानी कल होगा रावण को जलाया जाता है। तो दोस्तों इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि आज ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कर ले, रीज़न बीइंग कि इसको सूखने में टाइम लगेगा, जो हमने गम यहाँ पे लगे यूज़ करी है ना, उसको सूखने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। फिलहाल बच्चों ने इनके पैरों पे कलर कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, और अवनी और यशु ये दोनों लगे हुए हैं इसके पैर को कलर करने में, और आप देख सकते हैं हमने रावण बहुत हद तक चीज़ें बना दी हैं। बम थोड़े बहुत मैंने इसमें डाल दें, ज़्यादा बम इसलिए नहीं डालें क्योंकि बच्चे आसपास ज़्यादा होंगे, तो मेरे पास जो बड़े वाले बम हैं वही अवेलेबल थे, तो मैंने उन्हीं का यूज़ किया, ज़्यादा मैं कर नहीं चाहता था कि बच्चों को दिक्कत ना हो। फिलहाल चीज़ें देखें आपके सामने प्रिपेयर हो चुकी हैं, बच्चे लगे हुए हैं, और पूरी छत जो है हमारी गाइस ये देखें कितने सारे कलर्स, कितनी सारी चीज़ें, पूरी छत की वाट लग चुकी है। अभी सफाई भी बहन चलाना पड़ेगा मुझे कल, और मेरी वाट लगने वाली है, क्योंकि डैडी ने डांट के बोल दिया है कि बेटा गंदा तो कर रहे हो, सफाई करनी आपको पड़ेगी। तो अभी फिलहाल तो प्लानिंग यही है कि जल्दी जल्दी से इस काम को कम्प्लीट करते हैं, और फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। नीतू अभी ऑफिस से आ ही जाएगी,
कि आज मेरी छुट्टी है, मेरी आज कल दो दिन मैं छुट्टी है, मैं कहीं काम पे नहीं जा रहा हूँ, दो दिन छुट्टी है और दो दिन में मैंने ये प्रिपेयर कर दिया हम लोगों ने, है ना, ये प्रिपरेशन हमारी हो चुकी है। तो गाइस अभी फिलहाल की प्लानिंग ये है कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं फिलहाल, अभी इसको प्रिपेयर कर लेते हैं और फिर निकलते हैं। हाँ फिलहाल ये जल्दी जल्दी सूख जाए, हमें कल पूरे दिन भर इनको सुखाना पड़ेगा ना। एक्चुअली जो गोंद बनाया है ना उसको ले एक दिन पूरा, एक दिन नहीं ना मतलब थोड़ा देर तक तो चाहिए होता है धूप, मॉर्निंग में आगे से धूप को सुखा देंगे ना तो बढ़िया तरीके सूख जाएगा। हाँ फिर शाम को लेने आ, शाम को फिर लगा देंगे बम बम लगा दिए यहाँ पर बम। बता बता सच बताना कौन कौन से बम है इसमें, कौन कौन से बम दिखाऊं आपको बम। एक बम तो मैं भी डाल देता हूँ, क्या एक और मत डालो रहने दो, ये डल गया। अरे कितने डाल रहे हो, बहुत सारे। अब एक डालने से ही बहुत हो जाता है, दो में तो पूरा फट जाएगा ये। अरे कुछ नहीं, नहीं नहीं बस 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 कितने डाल रहे हो, अरे पापा कितने डालोगे, मजा तभी तो आएगा जब बस थोड़े से डालना, वरना मुझे तो लगता है सूटली बम से तो पूरा फट ही जाएगा ये, इन पटाखों के तो काम भी नहीं होगा। मजा आएगा ना पर। हाँ गाइस हमने बहुत सारे पटाखे वटाखे डाल दिए, ऐसे पटाखे डाले पर ज्यादा पटाखे इसलिए डाले रीजन बिंग की मुझे लग रहा है आसपास छोटे छोटे बच्चे बहुत हो सकते हैं तो दिक्कत हो सकती है, तो फिलहाल हमने काफी चीज सीखे तो सूखने के लिए छोड़ देते हैं और चलते हैं नीचे, क्योंकि नीचे कौन आने वाला है, मम्मी। सो हे गाइस फाइनली 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 हमारा रावण तैयार हो चुका है। आपको मैं छोटा सा पार्ट दिखा रहा हूँ रावण का, बाकी डेकोरेशन बाकी सब चीजें हम लोग नीचे करेंगे। फाइनली हमारा रावण तैयार हो चुका है गाइस, हमने बहुत ही मेहनत से बनाया है।